नमस्ते बच्चों, मैं सुलक्षणा नामदेव टोकले मेरे वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने कक्षा 4 में हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है। कहीं भी हमने इस भाषा के बारे में बोलते हुए सुना है, अखबार में पढ़ा है, टीवी पर बोलते हुए सुना है, ऐसे ही हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन कक्षा 5 में हमें हिंदी के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है। तो किसी भी भाषा के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमें उस भाषा के स्वर, व्यंजन और वर्णों का विचार करना चाहिए। तो इन स्वरों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं आपको हिंदी भाषा के स्वरों की जानकारी एक कविता के माध्यम से समझाती हूँ। देखो, ये है पहचान हमारी। इसमें एक कविता है, अनार के दाने लाल लाल, आम का रस खट्टा मीठा, इमली होती खट्टी खट्टी, ईख का रस मीठा मीठा, उल्लू को ठंड लगती है, ऊन से स्वेटर बुंदो माँ, एड़ी उठा धीरे चलो, ऐनक पहन हीरो बनो, ओखली लाए मेरे चाचा, औरत कुटे उसमें मिर्चा, अंगूरों के लटके गुच्छे आ लगते कितने अच्छे। तो ये है कविता। इसमें 12 स्वर लिए हैं। तो ये है 12 स्वर, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम आह। ये 12 स्वर इस कविता में लिए हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। तो इस स्वरों को मैं चित्रों और शब्दों के माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखो, अ अ स्वर से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, उ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर। तो इस प्रकार मैंने आपको इन स्वरों को चित्रों और शब्दों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।